जापान में साल के पहले दिन ही भयानक भूकंप आया है। पूरे जापान में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.4 दर्ज की गई है। प्रशासन ने सुनामी का अलर्ट जारी किया है। जापान के मौसम विभाग के मुताबिक के चार तीव्रता वाले 21 ऑक्टर शॉक भी रिकॉर्ड किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि 5 मीटर यानी कि 16 फीट ऊंची लहरें उठ सकती है। कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। फिलहाल किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। वहीं रूस ने तटीय शहर व्लादिवोस्तोक और सखालिन आइलैंड में अलर्ट जारी किया है। यह आइलैंड जापान के उत्तरी इलाके में मौजूद है।